हाय गाइस, आप देख रहे हैं डिजिटल कॉमर्स सॉल्यूशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये शिकायत होती है कि उन्होंने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दिया है, लेकिन उसके बाद भी उनको जितनी उम्मीद थी उतने नंबर नहीं आए हैं। तो इसके पीछे कई सारी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो आंसर देते वक्त करते हैं और जिसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। तो मैं उन गलतियों के बारे में बताता हूँ, और अगर आप उन गलतियों को दूर कर देंगे तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सबसे पहली जो गलती है वो ये होती है कि जब आंसर लिखा जाता है, मान लो किसी को 5 आंसर देने हैं, 1 2 3 4 5, तो वो जब वो आंसर देना स्टार्ट करता है तो आंसर नंबर वो अपना देता है। यानी पहला आंसर लिख रहा तो फर्स्ट नंबर डाल दिया आंसर नंबर वन, फिर जब सेकेंड आंसर देगा तो वहाँ लिख दिया आंसर नंबर सेकेंड। जबकि जो एक्चुअल में होना ये चाहिए कि वो आंसर वो वाला लिखे जो कि क्वेश्चन पेपर में है। अगर वो थर्ड क्वेश्चन का आंसर दे रहा है और ये उसका जब वो स्टार्ट कर रहा है आंसर देना, तो ये उसका पहला आंसर है। कॉपी में वो पहला आंसर देने जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन जो दे रहा है, जिस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, वो क्वेश्चन पेपर में थर्ड नंबर पर है। तो यहाँ पर आंसर लिखना चाहिए आंसर नंबर थ्री। अगर वो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में सेकंड नंबर का आंसर देने जा रहा है, तो उसको लिखना चाहिए आंसर नंबर सेकंड। लेकिन क्या करता है कि अगर वो उसका पहला आंसर है तो लिखेगा पहला, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव। तो इस वजह से यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि एग्जामिनर को लगता है कि ये अपने क्वेश्चन नंबर दे रहा है, क्वेश्चन में पेपर में जो आंसर है उसका सीरियल नंबर है, लेकिन वो यहाँ पर अपना वाला नंबर देता है सीरियल का। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन पेपर में नंबर दे रखा है क्वेश्चन नंबर, वही अपने आंसर शीट में भी डालना है। दूसरी चीज़ यह है कि जो क्वेश्चन पेपर होता है, कई बार क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा होता है कि उसमें सेक्शन होता है, कई पार्ट में डिवाइड होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, या सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। तो सेक्शन 1 का अगर वो आंसर देने जा रहा है तो ऊपर उसको सेक्शन भी लिखना चाहिए। अगर एक सेक्शन में 3 आंसर देना है तो वहाँ पर लिख दे सेक्शन A, और फिर उसके बाद जो भी उसको आंसर देना है क्वेश्चन पेपर में सेक्शन A का जो सा नंबर है वो नंबर डाल दे, आंसर नंबर 1 है, अगर 2 देना जा रहा है तो 2 2 है। और कोशिश ये करे कि अगर एक सेक्शन में उसको 3 आंसर देने हैं तो उस सेक्शन के तीनों आंसर एक साथ लिख दे तो बेहतर है। अगर नहीं ऐसा हो पा रहा, पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप जहाँ पर मान लीजिए एक ही एक क्वेश्चन किया, फिर उसके बाद सेक्शन B में आ गए, उसके बाद फिर सेक्शन A में आ गए हैं, तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो अगर सीक्वेंस टूट रहा है तो आप फिर जहाँ पर से जो भी सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर उस क्वेश्चन के ऊपर सेक्शन नंबर डाल दें। ये तो हो गई फर्स्ट मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक क्या होती है कि जब आंसर एक कंप्लीट कर लिया, अब सेकंड आंसर देना स्टार्ट किया है, तो जहाँ से फर्स्ट आंसर खत्म होता है वहीं से सेकंड आंसर स्टार्ट हो जाता है। और कई बार तो ऐसा भी स्टूडेंट करते हैं कि आंसर जब स्टार्ट किया लिखना तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर भी नहीं डालते हैं, वहीं से बिना नंबरिंग के स्टार्ट कर दिया। तो ये नहीं मालूम हो पाता है कि ये क्वेश्चन वही फर्स्ट वाला है या फिर नेसरे से ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो जहाँ पर आंसर खत्म हो रहा है वहाँ पर अंडरलाइन कर दे उसको, या वहाँ पर एंड लिख दे, और कोशिश ये करे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो आंसर लिखने जा रहा है, तो उस आंसर को नए पेज से लिखना स्टार्ट करे। तो उससे ये क्लियर होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और अब जो नेक्स्ट पेज है यहाँ से वो नया आंसर देने जा रहा है, तो वहां पर भी जो क्वेश्चन का नंबर, किस क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा है, उस क्वेश्चन का वहां पर नंबर डाल दे और आंसर लिखना स्टार्ट कर दे। थर्ड मिस्टेक ये होती है कि अगर कोई सेक्शन ऐसा है जिसमें MCQ है, यानी कि मल्टीपल क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन है और उसमें जो आंसर देना है उसके 4 चॉइस होती है और उसमें से कोई एक आंसर सही होता है, वो टिक लगाना होता है, तो उसमें ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक आंसर एक पेज में देंगे, एक पेज में एक आंसर दे दिया, उसके बाद नेक्स्ट पेज में एक, हालांकि वो आंसर एक ही लाइन का होता है या कुछ ही शब्दों का होता है, तो एक शब्द के लिए सिर्फ एक पेज, उसके बाद
हर आंसर के लिए नया पेज इस्तेमाल करना, तो इससे इरिटेशन पैदा होता है। तो इसके लिए ये करे कि अगर उसको एमसीक्यू के 5 आंसर देने हैं तो एक ही पेज में लिख ले, और उसमें अगर किसी एक में ऑप्शन ए सही है तो ए लिखकर ए में आंसर है क्या उसको भी लिख दे। ऐसा ना करे कि ए बी डी सी इस तरीके से निशान लगा दिया कि पहले का ए सही है तो ए लिख दिया, सेकंड का सी सही है तो सी लिख दिया, ये भी लिखिए, साथ में सी में आंसर है क्या उसको भी लिखिए। इसके अलावा जैसे आपने एक लॉन्ग आंसर लिखा है, ऐसे टाइप में है आंसर, और उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हाईलाइट करना ज़रूरी है, उस पर एग्जामिनर का ध्यान दिलाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी खास चीज़ है, कोई सेंटेंस भी हो सकता है, कोई डेट हो सकती है, कोई और आंसर हो सकता है, अंकों में हो सकता है, तो उसके लिए उसको हाईलाइट करने के लिए अंडरलाइन कर दीजिए, वरना मार्कर से भी आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, तो उससे सीधे वहीं पर फोकस जाएगा, सीधे नज़र वहीं पर जाएगी जो चीज़ आप ध्यान दिलाना चाहते हैं। तो इस तरीके से भी ऐसा करने से नंबर अच्छे आ जाते हैं, मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप ऐसे टाइप में आंसर लिख रहे हैं तो उसके बहुत सारी हेडिंग्स बना दीजिए, हेडिंग लिखिए पॉइंट वाइज, यानी कि लिखिए, और हेडिंग की फिर डिटेल भी, उसको एक्सप्लेन भी कर दीजिए। तो ऐसा करने से जो आंसर होता है उसमें ये समझ में आ जाता है आप क्या क्या चीज़ लिख रहे हैं, मेन मेन हेडिंग्स क्या है उसकी, और इन सब चीज़ों से उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो इन सब चीज़ों से, इन सब तरीक़ों से भी नंबर अच्छे आ जाते हैं। ये तो मैं बात कर रहा था थियोरेटिकल आंसर की। अब अगर को आंसर इस तरीके का है कि जो न्यूमेरिकल फॉर्म में है, जिसका यानी एक क्वेश्चन उसको सॉल्व करना है, मैथमेटिकल टाइप में है, तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन है या अकाउंटिंग का कोई क्वेश्चन है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, न्यूमेरिकल अगर वो कर रहे हैं, तो जब वो आंसर दे रहे हैं, उनका आंसर कंप्लीट हो गया है, तो कंप्लीट होने के बाद एक छोटा सा वर्किंग नोट भी बना लें। वर्किंग नोट में आप ये दिखाइए कि जो आपने कैलकुलेशन किया है वो किस तरीके से किया है, जो खास खास चीज़ें हैं जहाँ से आपने कैलकुलेशन, जो भी चीज़ें की है, उस कैलकुलेशन को आप वर्किंग नोट्स में दिखाइए। उससे ये होता है कि एग्जामिनर को लगेगा कि आपने अच्छे से मेहनत की है और आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, किस तरीके से कैलकुलेशन करना है वो सब चीज़ें आपको मालूम है, और उस तरीके से आपने आंसर दिया है। तो ये जो छोटे छोटे वजह हैं, अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ये जो टिप्स मैंने बताया है इसको ध्यान रखेंगे, तो उम्मीद है कि जो आपके मार्क्स हैं नेक्स्ट टाइम में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे।